हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मनु भाकर की मम्मी सुमेधा नीरज चोपड़ा से बात करती नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, मनु भाकर और नीरज चोपड़ा भी इसी इवेंट में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की शादी की अफवाहें फैलने लगी। स्पोर्ट्स फैंस ने रिश्ता पक्का या शादी मुबारक जैसे तमाम पोस्ट पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। लेकिन आपको बता दें, मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने सभी अफवाहों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मनु अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र शादी की नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नीरज चोपड़ा हमारे बेटे जैसा है। वीडियो में दिख रहा है मनु की मम्मी और नीरज की ये सिर्फ एक कैजुअल बातचीत थी। वहीं नीरज चोपड़ा के चाचा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि नीरज ने मेडल जीता, पूरी दुनिया को पता चला। ऐसे ही जब उसकी शादी होगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बता दें, ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं मनु भाकर ने दो ब्रॉन्ज मेडल लेकर इतिहास रचा, क्योंकि वो ओलंपिक मैदान में पहुंचने वाली पहली इंडियन महिला शूटर थी। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।